बीजेपी के झंडों का हो रहा होलिका दहन। नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। आज बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपने अब तक सुना होगा कि पंजाब और यूपी में ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस सपाइन को लेकर अहम मुद्दे छिड़े हुए हैं, जिसमें काफी बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन बात अब पंजाब और यूपी और अन्य राज्यों की नहीं है, आज बात जो है वो मणिपुर की है, जहां पर मणिपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडों को जलाया, बीजेपी के बैनर को जलाते हुए काफी चप्पलों से बैनर पर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उनके अंदर जो गुस्सा फूट पड़ा है वो बीजेपी के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है, जिसमें इनकी मां ने तो बताया जा रहा है कि इनके अंदर जो गुस्सा है वो टिकट को लेकर है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते इन लोगों का गुस्सा इतना जागृत हो गया कि वो वेंडर पर ही चप्पल डंडे से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इनके अब बीजेपी के खिलाफ इतनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं कि जिसको बीजेपी एक अपना अहम मुद्दा समझती थी कि वो अपनी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के द्वारा चुनाव लड़ने को जीतने की पूरी बहुमत से तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जो देखा जा रहा है जिसमें बीजेपी के ही नेता अब बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या वाकई में अब आगे आने वाले समय में बीजेपी चुनाव में विजय हासिल कर पाएगी, यह सब तो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन हमारा एक वीडियो देखो जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बैनर पर चप्पल से डंडे से पिटाई करते हुए अपना गुस्सा जागृत कर रहे हैं। सीधा दिखाते हैं हम अपनी इस खबर में। बीजेपी झंडों की होलिका दहन की जा रही है। मणिपुर में भाजपा के खिलाफ भारी हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर आम आदमी के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद झंडा जला रहे हैं, बैनर जलाते नजर आए हैं, भारतीय जनता के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए, और तो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी जनता विरोध करती नजर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी की जो चुनाव जीतने की रणनीति थी उस पर फिर से पानी फिरता नजर आ रहा है। आज मणिपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में होते हुए, साथ ही गुस्से में और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आए, और इसलिए हुआ ये सब कि उनको टिकट नहीं दी गई। काफ़ी बैनरों को जलाते हुए, चप्पल दिखाते हुए और मारते हुए, डंडे बरसाते हुए इस वीडियो में सामने दिख रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता ही बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।